जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और आज बोल के लब आजाद है तेरे में कौन है जो हिंदू और मुसलमानों में तनाव पैदा करके देश को तोड़ना चाहता है, कौन है जो समाज का दुश्मन है और कौन है जो मोदी सरकार का दुश्मन है। जी हां, सही सुना आपने, मोदी सरकार का दुश्मन। दोस्तों, हर सरकार का दायित्व क्या होता है कि उसके राज्य में उसकी सत्ता के चलते देश में दंगे ना हो, देश में तनाव ना फैले, असंतोष ना फैले और इस तरह की ताकतें मजबूत ना हो जिसके चलते देश में दंगे जैसा माहौल हो जाए। और अगर कुछ ऐसी ताकतें देश में दंगे का माहौल पैदा करती हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी ताकतें एनिमी ऑफ द स्टेट हैं, सरकार की दुश्मन हैं। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या ख्याल है, आप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसे अपवाद रहे हैं। मैं जानता हूं कि 1984 में सरकार खामोश रही और उसकी आंखों के सामने हजारों सिखों का कत्लेआम होता रहा। मैं जानता हूं 2002 में भी सरकार इसी तरह से खामोश रही कुछ दिनों तक और उसी के चलते कई मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए। मैं जानता हूं, मगर अब हालात बदल गए दोस्तों, वो दौर भी बदल गया है और मुझे नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद और भी मजबूती के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता शैली पर विदेशों से छपने वाले अखबार, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, गार्डियन हो, सभी सवाल उठाते रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात, अमरीका की यह रिपोर्ट जिसका अनुमोदन खुद अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने किया था। आपको याद होगा कि अब से कुछ हफ्तों पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी और उस शो का नाम था राम के नाम पर दुनिया में कर दिया बदनाम। दोस्तों, इस शो को अब तक करीब 25 लाख लोग सिर्फ यूट्यूब पे देख चुके हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ लोग मोदी सरकार के दुश्मन हैं और मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि इस अमरीकी रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है इससे मोदी सरकार को चिंतित होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरीका ने अपनी एक रिपोर्ट में, जी हां, 2018 की इस रिपोर्ट में, जिसमें एक तरह से ताना बाना है भारत के अंदर जो माहौल है उसको लेकर, उसमें यह कहा है कि गैर हिंदुओं पर, जिसमें मुसलमान और ईसाई शामिल हैं, साथ ही दलितों पर करीब 18 हमले हुए हैं, 8 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, ईसाइयों और गिरजाघरों पर करीब 300 से 500 हमलों का जिक्र है। यह रिपोर्ट जिसे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने जारी की है, वो माइक पोम्पेयो जो मंगलवार को भारत आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, भीड़ ने गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर बार बार हमला किया है। दूसरी बात, प्रशासन ने कई मामलों में हमलावरों को संरक्षण दिया ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो सके। तीसरी बात, झारखंड में तो एक ईसाई गुट पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि राज्य सरकार का एजेंडा है जिसमें ईसाइयों का विरोध करना शामिल है, वो निहित है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि बीजेपी के कई नेता अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब यह एक अमरीकी रिपोर्ट का हिस्सा बन चुकी है। अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले 13 जून को अमरीकी विदेश मंत्रालय में एलिस वेल्स, जो कि वहां पर सहायक उप विदेश सचिव हैं, जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि भारतीय नेतृत्व धर्म के आधार पर ऐसे हमलों की आलोचना करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। भारत ने जाहिर सी बात है इसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं भारत के लिए चिंता के 2 विषय हैं। पहली बात, हम आपको बता दें कि
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी सरकार के एक आयोग ने भारत के वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर की है और उस चिंता के चलते आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। इसके चलते उन्होंने अप्रैल 2019 में भारत को चिंताजनक हालात वाले दूसरे श्रेणी के देशों में डाल दिया है। ये अप्रत्याशित है। तो देखा आपने, ये अमरीकी रिपोर्ट जिसे रिलीज खुद अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पेयो ने किया है, कहा है कि भारत मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, ईसाइयों के लिए सुरक्षित नहीं है। और अगर ऐसा होगा दोस्तों तो मुझे बताइए इस देश में निवेश करने कौन आएगा। इस वक्त मोदी सरकार के सामने सबसे कठिन चुनौती क्या है? नौकरी, अर्थव्यवस्था, किसानों की बदतर हालत। और अगर देश के अंदर इस तरह के माहौल को जगह दी जाएगी हिंदू मुसलमान तनाव को लेकर, तो ऐसे में नुकसान किसका होगा? और मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि चांदनी चौक में एक हिंदू धार्मिक स्थल पर कुछ अकल से पैदल युवकों ने हमला किया, हमारी कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते उस इलाके में तनाव पैदा हो गया। मगर आप जानते हैं सबसे अच्छी बात यह कि उस इलाके के मुफ्ती ने ये अपील की कि हम उन युवकों के साथ नहीं, हम उनकी आलोचना करते हैं, पुलिस कार्रवाई करे। और यही नहीं, बाकायदा एक मार्च निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि मुसलमान उन टूटी हुई मूर्तियों की मरम्मत करेगा। आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त यह तस्वीर देखिए। नफरत का धंधा बंद करो, हमारे पड़ोसी हमारे भाई हैं। यह तस्वीर क्या कहती है दोस्तों? और आज इस संदेश के खिलाफ कई ऐसी ताकतें काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग जो आपके विधायक हैं, जो आपके राजनेता हैं, जो खुलकर चाहते हैं कि माहौल उग्र हो जाए, गृहमंत्री अमित शाह का सिरदर्द बढ़ जाए, दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में दंगे जैसे हालात पैदा हो जाएं। सबसे पहले तो आप देखिए यह आदमी जिसे मैं बेहोश मिश्रा कहता हूं, क्योंकि जब इससे कठिन सवाल किए जाते हैं तो यह अक्सर बेहोश हो जाता है, यह क्या कह रहा है? कपिल मिश्रा कहते हैं, बस मुझे इतना बता दो, कोई अगर यही भीड़ जय श्री राम बोलती और हमला किसी मस्जिद पर हुआ होता तब भी ऐसा ही सन्नाटा होता? मीडिया में खबर तक नहीं, बॉलीवुड का कोई रिएक्शन नहीं, नेता, कोर्ट, इंटेलेक्चुअल सब बिल्कुल चुप। हिंदू होना गुनाह है क्या? सबसे पहले कपिल मिश्रा, बेहोश मिश्रा, हिंदू होना गुनाह है क्या, आपका यह सवाल क्यों बेमानी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस वक्त सत्ता में एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसी के अंतर्गत पुलिस आती है। यह जो इलाका है चांदनी चौक का, यहां का सांसद कौन है बताइए मुझे? यहां के सांसद हैं हर्षवर्धन, हैं कि नहीं? तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू होना गुनाह है? अब सुनिए यह आदमी क्या कह रहा है। इसकी जो भड़काऊ बातें और झूठ जो है बहुत ही चिंताजनक बात है, और मैं उम्मीद करूंगा अमित शाह जी आप इस पर कार्रवाई करेंगे। सुनिए ये कपिल मिश्रा क्या कह रहा है। मंदिर पूरा का पूरा ढा दिया जाता है, दंगों का माहौल बनाया जाता है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इतना सन्नाटा, अगर ऐसी ही कोई भीड़ जय श्री राम के नारे लगाती और किसी मस्जिद के ऊपर हमला करती का, तब भी ये सभी लोग शांत रहते, चुप रहते? देखिए अभी तक इस मामले में कोई जवाबी या बदले की कार्रवाई हुई नहीं है। लोगों ने बहुत सहनशीलता और धैर्य का परिचय दिया है और यही हमारी पहचान है। लेकिन मैं पुलिस कमिश्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, बदमाशों को गिरफ्तार कीजिए, कार्रवाई कीजिए। जय हिंद। मंदिर को ढहा दिया गया, क्या उस मंदिर को तोड़ा गया? नहीं, पूरा नहीं तोड़ा गया था, ढहाया नहीं गया था, कुछ मूर्तियों को जरूर नुकसान पहुंचाया गया। ये आदमी सरासर गलत बयानी कर रहा है, यानी कि माहौल को उग्र करने की कोशिश कर रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्या इस आदमी की जगह जेल के पीछे नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? और दूसरी बात, यह आदमी धमकी किसको दे रहा है कि हमारे धैर्य का इम्तिहान ना लिया जाए? पहली बात तो मिश्रा जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कम से कम आप तो हुजूर ये मत कहिए, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने विधानसभा में खड़े होकर, जी हां दोस्तों, इस शख्स ने विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तौहीन की थी, उन्हें बेइज्जत किया था। इसने टेलीग्राफ के एक कार्यक्रम में गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किए थे। आज जब इसका बसेरा उड़ गया आम आदमी पार्टी से, तो फुल ऑन चाटुकारिता कर रहा है,
फुल ऑन चाटुकारिता कर रहा है कि भाई अगला चुनाव हो तो कम से कम मुझे सीट मिल जाए बीजेपी की तरफ से, तो कम से कम तुम तो बात ना करो हिंदू अस्मिता की। और दुख की बात यह है कि पूरा बीजेपी आईटी सेल इसे सार्वजनिक कर रहा है, इसका प्रसार कर रहा है। और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल की पृष्ठभूमि के हैं, क्या कह रहे हैं। मंदिर को तोड़ने वाली भीड़ के नारे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दिल्ली में हैं। मुझे तो एक बार लगा हम जिहादियों के देश में बैठे हैं। दिल्ली पुलिस को ऐसी भीड़ का नेतृत्व करने वाले और उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिहादियों के देश में। यानी कि एक झटके में इन्होंने इस देश को तालिबान बता दिया। सिरसा साहब, ये देश तालिबानी तब होता अगर उन कम अक्ल मुसलमान युवकों की हरकत को पूरी जो मुस्लिम कौन है वो समर्थन देती। अगर पूरा मुस्लिम समुदाय उसे समर्थन देता तो हम कह भी सकते थे जिहादियों का देश है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस देश में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, तो आप कैसे जिहादियों का देश कह सकते हैं? आप मेरे देश को तालिबान शासित अफगानिस्तान बता रहे हैं? आपको थोड़ा सा भी लिहाज, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है भारत के लिए कि अब आप इसे तालिबान शासित अफगानिस्तान बताएंगे? और ये हमारे विधायक हैं। दोस्तों, विधायक तो विधायक, दुख की बात यह है कि समाज के और मोदी सरकार के दुश्मन अधिकतर मीडिया भी है। और अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कुछ ट्वीट्स, कुछ पत्रकारों द्वारा कही गई बातें। इनकी बातें पढ़कर ऐसा लगता है कि ये पत्रकार नहीं है बल्कि इनका मकसद कहीं ना कहीं दंगा भड़काना है। मसलन ये पत्रकार कहते हैं कि अवार्ड वापसी गैंग से या जो लूटियंस गैंग से अब कोई अपने पुरस्कार नहीं लौटाएगा, अब कोई नहीं कहेगा कि असहिष्णुता बढ़ रही है। एक समुदाय की भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया। अब आप मुझे बताइए, एक समुदाय की भीड़ यकीनन वहां इकट्ठा हुई, मगर क्या उस एक समुदाय की भीड़ ने जो काम किया, क्या किसी भी अन्य मुसलमान ने जो कि इस देश में है, क्या उसने उनके इस काम को सही ठहराया? उस इलाके के जितने भी धर्मगुरु थे, क्या उसने उन्होंने उस पर तालियां बजाई? तो फिर आप इस तरह के नफरती बयान क्यों कर रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप इस तरह के नफरती बयान? आप क्यों समाज के अंदर इस तरह की अराजकता फैलाना चाहते हैं? अब देखिए इन सज्जन को, ये कहते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक में पार्किंग को लेकर एक मंदिर को निशाना बनाया गया, नारे लगाए गए, तोड़फोड़ की गई। इन दंगाइयों पर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है? के नाम पर जो हुआ वो क्या था? आपकी चुप्पी देश का माहौल खराब कर रही है। देखिए, पहली बात तो साहब, ये सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग बहुत गिने चुने लोग हैं, अंग्रेजी के पत्रकार हैं, इनकी बात ये खुद नहीं सुनते हैं तो देश कहां सुनेगी इनकी बात, जिनकी तरफ ये इंसान इशारा कर रहा है। और माहौल खराब किसी की चुप्पी से? तुम जो 24 घंटे अपने चैनल में बैठकर हिंदू मुसलमान पर डिबेट करते हो, देश का माहौल खराब करते रहते हो, असली मुद्दों पर डिबेट नहीं करते हो, वो क्या है? क्या वो माहौल खराब करना नहीं है? माहौल खराब सही मायने में मीडिया कर रहा है और बहुत ही दुखद बात है। और अब आपके सामने जो स्क्रीनशॉट आ रहा है ना दोस्तों, बहुत ही दुखद है। ये देखिए, ये चैनल पूछ रहा है कि दिल्ली के दिल में तालिबानी सोच, यानी कि एक बार फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों के काम को तुमने पूरी कौम को बदनाम कर दिया। दिल्ली के दिल में तालिबानी सोच, मैं आपको बताता हूं तालिबानी सोच क्या है दोस्तों। तालिबानी सोच वो है जब चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को पूरी भीड़ मौत के घाट उतार देती है, वो है तालिबानी सोच। क्योंकि इस तरह का फरमान तालिबान शासित अफगानिस्तान में मिलता था, या चोरी के आरोप में सऊदी अरब में लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, यह है तालिबानी सोच। और आप पूरी एक कौम को रेखांकित कर रहे हैं, उसके आसपास एक गोला डाल रहे हैं कि यह है तालिबानी सोच, जबकि उस इलाके के धर्मगुरु खुलकर सामने आ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि तनाव पैदा ना हो। आप ये देखिए, अमन कमेटी के ये दो शख्स सामने आए हैं,
वो भी अपील कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं, ये तस्वीर क्या बताती है दोस्तों, मुझे बताइए। और इसीलिए मैं अमित शाह जी आपसे कह रहा हूं कि आपके दुश्मन कोई और नहीं, आप ही के पार्टी के, आप ही के कुछ समर्थक हैं जो इस समाज में तहस नहस करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। दोस्तों अब मैं अपील करना चाहूंगा इस देश के हिंदुओं से, खासकर मध्यम वर्गीय हिंदू जो कि अपने घर में बैठ के ऐसे टीवी डिबेट्स देखता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो तमाम पत्रकार हैं ना, जो आपको आजकल राष्ट्रवाद का संदेश देते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो कैमरे में पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए, और उसके बाद इन्होंने तिहाड़ जेल में शान बढ़ाई अपने चैनल की भी और खुद की भी, तो लिहाजा कम से कम ये आपके लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकते हैं। इनमें से एक शख्स है जिस पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है, इस पर आरोप है कि इसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की, मीटू में इसका नाम भी आया था। यह आदमी हमें संदेश देगा राष्ट्रवाद का? तो सवाल यह है, और बड़ा सवाल यह, आप जब टीवी पर बैठ के ये तमाम डिबेट्स देखते हैं जिसमें इस तरह का तनाव फैलाया जा रहा है और तालियां बजाते हैं उस पर, तो कभी क्या आपने सोचा है कि इस तनाव के चलते कभी ऐसा हालत हो जाए, कभी ऐसी हालत हो जाए जिसके चलते शहर में दंगे फैल जाएं, और ऐसे ही किसी दंगे में आपके बच्चे की स्कूल बस किसी इलाके में फंसी होगी, तब क्या ये पत्रकार आएंगे आपके मासूम की जान बचाने? तब जो माहौल खराब लगातार हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी बताइए? तब क्या आप पलटकर कहेंगे कि काश इस तरह के डिबेट्स ना होते, काश माहौल को खराब करने का इस तरह की साजिश ना रची जाती? दोस्तों यही वजह है कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें दखल देने में मैं थोड़ा सा हिचकता हूं। जो चांदनी चौक हुआ, मैंने एक अन्य कार्यक्रम में इसका कल जिक्र किया था, और मैंने उन युवकों की भी आलोचना की थी। मैंने कहा था कि तुम न सिर्फ तुमने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, अपने परिवार के लिए भी, और अपने जरिए पूरे कौम के लिए, पूरे कौम को तुम बदनाम कर रहे हो। हालांकि मुझे खुशी है कि अगर ये आधा दर्जन या एक दर्जन कम अक्ल युवक हैं तो इनकी भरपाई करने के लिए हजारों लाखों ऐसे मुसलमान हैं जो कि अमन का संदेश दे रहे हैं। मेरी अपील इस देश के हिंदुओं से कि आप कैसा देश चाहते हैं? अगर इस तरह की चीजें बढ़ती गईं तो इसका नुकसान किसे होगा? आपको और हमको होगा, हमारे बच्चों को होगा, हमारे बुजुर्ग मां बाप को होगा। क्या आपको ऐसे हालात अच्छे लगते हैं? क्या आपको ऐसे हालात स्वीकार्य हैं? दोस्तों वैसे तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है हिंदुओं और मुसलमानों से अपील करने के लिए। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मगर जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो मेरी जो चिंताएं हैं वो एक पिता होने के नाते हैं, वो एक पति होने के नाते हैं, वो एक बेटा होने के नाते हैं। यही वजह है कि मैं आपसे कोई एक नेता होने के नाते या पत्रकार होने के नाते भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते ये बातें आपसे कह रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि मेरी अपील अब मुसलमानों से, मैं जानता हूं कि देश में हालात सामान्य नहीं है, मैं जानता हूं कि जब आप पहलू खान, अखलाक या हापुड़ में भीड़ द्वारा उस मुसलमान को मारते हुए देखते हैं तो आपके अंदर रोष भरता है, आप नाराज होते हैं, आपको नाउम्मीदी की एक स्थिति दिखाई देती है, हालात दिखाई देते हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पास दो रास्ते हैं। पहली बात कि आप गुस्से में आके वो काम करें जैसे कि उन कम अक्ल युवकों ने चांदनी चौक में उस मंदिर में किया था, या फिर उससे भी आगे बढ़कर आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिल जाएं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दें। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप भारत में किसी बड़ी आतंकवादी घटना की जड़ों में जाते हैं ना, और अगर कोई स्थानीय मुस्लिम उसमें शुमार होता है तो उसके ब्रेन वॉशिंग के लिए लगातार दो या तीन घटनाओं का इस्तेमाल आईएसआई करता रहा है, पाकिस्तानी लोग करते रहे। कौन सी दो घटनाएं? बाबरी का गिराया जाना 1993 के जो दंगे हुए थे, और उसके बाद 2002। मगर इससे होता क्या है दोस्तों, इससे बदनाम पूरी कौम होती है। बहरहाल बोल के लब आजाद है तेरे में, मैंने जो मुद्दे आपके सामने उठाए थे वो यही थे कि इन माहौल में न सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि
हमारे सामने कुछ समाज के दुश्मन हैं जो कि लगातार इस देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।